नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज के दिन विश्व भर में योग दिवस की क्रिया को अपनाया जाता है। हम आपको बता दें कि 2014 में जब संयुक्त महाराष्ट्र महासभा की बैठक थी, उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया महासभा में कि क्यों न 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित की जाए। उसको सहर्ष रूप से संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो बैठक थी उसमें इसे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और तब से लेकर यह योग क्रिया जो है विश्व भर में अपनाया जाता है। हालांकि हम आपको बता दें कि 2014 में इस योग क्रिया को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी गई और पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 में आयोजित की गई। तब से लेकर आज तक जो है इस योग क्रिया को 21 जून यानी कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और पूरे विश्व भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जा रही है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना सिटी के रामदेव महतो सभागार से, जहां पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव एवं कई पार्षद और इसमें कई बच्चे और महिलाएं भी जो हैं इस योग क्रिया की साधना को अपना रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पीछे क्या उद्देश्य है, लोगों को हेल्दी जीवन जीने की दिशा में गति प्रदान करना और योग के प्रति बढ़ावा देना है। हालांकि इस दौरान बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने क्या कुछ कहा है छोड़े जा रहे हैं, हम उनके बाइट के साथ दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। देखिए, योग तो हमारे देश की विधा रही है और हम बिहार के लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि बिहार में योग विश्वविद्यालय पहली बार देश में खुला था, मुंगेर में खुला है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को, जिन्होंने भारत की सुविधा को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने का काम किया है और आज पूरी दुनिया योग मनाने का काम कर रही है। योग आदमी को स्वयं स्वस्थ रखने की एक पद्धति है और योग के माध्यम से आदमी जहाँ रोगों को अपने से दूर कर सकता है, वहाँ रोगों का निदान भी कर सकता है। इस योग दिवस के अवसर पर मैं समस्त लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में दो स्थानों पर योग का कार्यक्रम रखा गया है, एक आप यहां आज खड़े हैं वहां और दूसरा गुलजारबाग स्टेडियम के पास रखा गया है। इसमें हजारों लोग आज योग करके योग दिवस मनाए। विपक्ष इससे दूर है इस योग का, इसमें पक्ष और विपक्ष का कोई सवाल ही नहीं, तो पार्टी का थोड़ी विषय है, ये तो आदमी को अपने को स्वस्थ रखने का विषय है। कोई अपने को गंदा रखना चाहे तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि अधिकांश लोग योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, स्वस्थ रहते हैं।